के जादू की श्रृंखला में आज हम आपको एक नया जादू दिखाएंगे और इस जादू से आप किसी पार्टी में तो हिट हो ही सकते हैं, अगर जुआ खेलेंगे तो उसमें सुपर रिच भी हो सकते हैं। और जादू ये है कि इन ताश के पत्तों में से मैं बिना देखे जो आप पत्ता बोलेंगे वो खोल के दिखा दूंगा। तो कौन से पत्ते खोल के दिखाएंगे? इक्के। हाँ चलिए इक्के खोल देते हैं, क्योंकि इक्के ताश में सबसे बड़े भी होते हैं, तो इक्के खोल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कुछ मैंने डेक से मैंने कुछ पत्ते उठा लिए हैं, बाकी पत्तों को साइड कर देते हैं। तो अब मैं इन कार्ड्स को शफल कर देता हूँ और अब आप देख सकते हैं कि सारे पत्ते फेस अप हैं और एकदम रैंडमली अरेंज्ड हैं। अब मैं कुछ को फेस अप और कुछ को फेस डाउन कर देता हूँ ताकि मुझे बिल्कुल भी पता ना रहे कि कौन सा पत्ता फेस अप है और कौन सा पत्ता फेस डाउन है। आप चाहें तो इसको फिर से शफल कर सकते हैं, ऊपर से भी शफल कर सकते हैं, कितने भी पत्ते नीचे कितने भी पत्ते ऊपर, पलट भी सकते हैं, नीचे वाले पत्तों को भी पलट सकते हैं। ठीक है, अब जबकि पत्ते शफल हो चुके हैं तो मैं नीरव से पूछूंगा कि कौन से पत्तों को सीधा रख दें और कौन से पत्तों को पलट के रख दें। चलिए नीरव बताएं, इसको सीधा, इसको सीधा, उल्टा सीधा उल्टा, तो इससे ये पत्ते और ज्यादा डिसअरेंज हो जाएंगे। सीधा उल्टा सीधा सीधा उल्टा 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 और उल्टा। अब जब आप देख सकते हैं कि ये चॉइस नीरव की थी कि कौन से पत्ते सीधे रहेंगे और कौन से पत्ते उल्टे रहेंगे, कुछ पत्ते फेस अप हैं और कुछ पत्ते फेस डाउन हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा पत्ता फेस अप है और कौन सा फेस डाउन है। अब इस ट्रिक का आखिरी पार्ट, अब मैं इन पत्तों को दो ढेरियों में बांट दूंगा और फिर नीरव से पूछूंगा कि कौन सी ढेरी को उठा के दूसरी पे रख दिया जाए। तो ऑडियंस को एक और मौका मिल रहा है कार्ड्स को डिसअरेंज करने का। बताइए कौन सी डिक उसको उठा के डालें? लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर डाल दीजिए। इस लेफ्ट वाले को राइट के ऊपर, यस, लेफ्ट वाले को उठा के मैंने राइट पे रख दिया। अब अगर आप पत्तों को फैलाएंगे तो पाएंगे कि इक्के फेस अप हैं और बाकी सारे पत्ते फेस डाउन हैं।